नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आप और आपके परिवार के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक पेरेंटिंग के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया था, जो पार्ट वन था। उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया था। आज का यदि हम देखें, आज का क्या कि शुरू से ही सबसे जो हॉट जो सब्जेक्ट है वो है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग का मतलब ये है कि हम बच्चों के अंदर हम कैसे संस्कार डालें, उनके अंदर हम जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको हम कैसे उनके अंदर क्रिएट करें। तो हम आने वाले टाइम में भी हम पेरेंटिंग के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो लाएंगे। तो आज हमारा जो पेरेंटिंग का पार्ट टू है, इसको हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपका जो बिहेवियर अपने, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो 2 साल के हों चाहे 5 साल के हों, मैंने पहले भी एक किसी वीडियो में कहा था कि जो बच्चे हैं एक जस्ट लाइक एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं। कोरे कागज़ का मतलब है कि हम जैसी हम चाहें उसके ऊपर हम आकृति बना सकते हैं, कोई भी हम शेप बना सकते हैं, कहने मतलब जिस शेप में भी हम बच्चे को मतलब मोल्ड करना चाहें वो कर सकते हैं। यदि हम एक और दूसरा भी हम कहना चाहें कि बच्चे एक जस्ट लाइक एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हों, जैसे कि कुम्हार जो है बर्तन जो बनाने वाले हैं उसको जिस चाहे जिस शेप में वो मतलब मिट्टी का बर्तन बना सकता है, ऐसे ही जो बच्चों के ऊपर जो हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा जो हम कैसा उसके साथ, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स चाहते तो बहुत कुछ है कि मेरा बच्चा ये बन जाए, वो बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये बन जाए, लेकिन सवाल है कि जो पेरेंट्स हैं वो उनके ऊपर कितना ध्यान देते हैं, उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि आजकल के पेरेंट्स को मतलब बच्चों से प्रॉपर जो संवाद है वो करने का टाइम ही नहीं है उनके पास में। तो हम आने वाले जो हमारा जो पार्ट जो 3 आएगा उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ के हम ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे एक जो एटीट्यूड है उसका जो बिहेवियर है किसी का भी, वो बच्चे की लाइफ को या किसी की भी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। जैसे कि एक बार एक जो टीचर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षक का मतलब है शिखर तक ले जाने वाला, और 6 का मतलब है क्षमा करने वाला, और 1 का मतलब है ऊंचाई मतलब शिखर तक ले जाना, मतलब उसकी जो गलतियां हैं उनको माफ़ करने वाला। तो हमने शिक्षक के ऊपर एक आर्टिकल, एक छोटा सा एक वीडियो बनाया था, हम उसके बारे में अभी ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। तो ऐसे ही क्या है कि एक स्कूल के अंदर एक टीचर की पोस्टिंग हुई थी एक स्कूल के अंदर। तो वहाँ पर उस टीचर की एक बहुत ही एक अच्छी आदत थी कि जैसे ही वो क्या कि जैसे वो स्कूल के अंदर एंटर होती थी, जैसे वो स्कूल के अंदर जाती थी, तो सभी बच्चों से वो जाते ही उनसे बोलती थी, लव यू माई चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे, ऐसे बड़े ही प्यार से मुस्कराहट से वो बच्चों से बोलती थी। तो सभी बच्चे बहुत ही उनका रेस्पॉन्स देते थे टीचर का। लेकिन जब वो जब उनको बच्चों को जब पढ़ा रही थी तो वो उसके अंदर देख रही थी, जैसे वो आई तो एक बेंच के ऊपर एक बच्चा एकदम गुमसुम उदास एक किसी कोने में बैठा हुआ है। तो बच्चे जब होमवर्क वगैरह ऐसे देती थी तो उस बच्चे के ऊपर वो मतलब खास वो जो टीचर है उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देती थी भाई ऐसे। तो ऐसे धीरे 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 ऐसे जब रिपोर्ट कार्ड बनने लगा तो उसको क्या कि धीरे धीरे उस बच्चे से उस टीचर को एज ए घुटन महसूस होने लगी। तो कहने वाला उसमें टीचर ने उसके ऊपर एक ध्यान नहीं दिया भाई किस वजह से उदास रहता है, क्या है, कैसे, जो भी है। तो अल्टीमेटली जब उसका फाइनल जब रिजल्ट तैयार हुआ तो उसकी बिल्कुल ही लोएस्ट जिसको ग्रेड होते हैं जस्ट लाइक एक फेल की तरह, जैसे आप उसको डी ग्रेड बोल सकते हैं या ई ग्रेड बोल सकते हैं, जब फाइनल जब उसका रिजल्ट हुआ तो वहाँ की जो प्रधानाध्यापक थी मतलब कहने का मतलब जो प्रिंसिपल है, लास्ट में जो मार्कशीट वगैरह सारा रिपोर्ट कार्ड उसके पास गया इसके प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल ने एक एक करके जो सारी जो रिपोर्ट कार्ड उन्होंने देखे, उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने देखा, तो उन्होंने प्रिंसिपल ने उस बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड था उसके ऊपर उसने देखा, तो प्रिंसिपल ने देखा कि इसने तो इस बच्चे के ऊपर बहुत ही रिमार्क ऐसे बहुत ही ज़्यादा इसका खराब रिमार्क कर दिया है। तो प्रिंसिपल ने उससे उस टीचर से कुछ भी नहीं बोला। तो उसने जो पहले के उसके जितने भी, जैसे कि बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता था तो उसके 1 से लेकर 4 जो क्लास थे 4 तक उसके सारे रिपोर्ट कार्ड्स जो प्रिंसिपल ने उसके सामने रख दिए उस टीचर के सामने। जब उस टीचर ने उसको देखा, उसके एक एक रिपोर्ट कार्ड उसके देखे, उसने एक एक रिपोर्ट कार्ड देखे, तो सभी
उसके रिपोर्ट कार्ड्स के अंदर क्लास के अंदर फर्स्ट पोजीशन उस बच्चे की, और सब में ए प्लस या अच्छी वाली ग्रेड है, एक्सेलेंट, वेरी गुड सभी टीचर के, तो उस टीचर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो बच्चा एक से चौथी तक जिसके ए प्लस ग्रेड आ रहे हैं क्लास के अंदर, उसकी फर्स्ट पोजीशन आ रही है, तो उसको ताज्जुब हुआ कि इस साल ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो प्रिंसिपल से उसने कहा, भाई ऐसा क्या है, इस साल तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा, तो मैं किस बेस पे इसको अच्छे नंबर दूँ या ए प्लस दूँ, ये तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देता। तो प्रिंसिपल ने उसे कहा कि आपने कभी उस बच्चे से नहीं पूछा, बेटे आप कैसे उदास रहते हो, आपका पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, और नहीं उस प्रिंसिपल ने कहा कि आपने मेरे से भी नहीं पूछा कि ये इस बच्चे का रीज़न क्या है, ये पढ़ता नहीं है, ये नहीं पढ़ता। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी को भी हम देखते हैं, माने कि कोई किसी के बारे में बोल दे कि वो ऐसा है वैसा है, तो उसके बारे में हम पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, उसके बारे में हम पहले इंक्वायरी करना चाहिए, उसके बारे में पता लगाना चाहिए उसका पहले बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में पूरी तरीके से। तो फिर प्रिंसिपल से उसने पूछा, टीचर ने, भाई पहले इसके इतने अच्छे आते थे, आज इसके ऐसे क्यों आते हैं, इतना उदास ये क्यों रहता है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि अभी इसकी उस महीने पहले ही इसकी जो माँ है वो गुजर गई, तो क्या है कि ऐसे उदास रहता है, बड़ा मतलब मासूम चेहरा है वगैरह जो भी है। तो फिर बाद में उसको बड़ा अफसोस हुआ उस टीचर को। अब आप देखिए, जो मैंने ये जो कहानी आपको सुनाई है पेरेंटिंग, अब मैं आपको इसका दूसरा मैं आपको पहलू सुनाता हूँ। तो उस टीचर का एकदम से उसके बारे में सोच के एकदम से उसका जो एटीट्यूड है उसके प्रति, उसका जो दृष्टिकोण है, पूरी तरह उसका चेंज हो गया। तो फिर उसने उसकी जो क्लास थी, अगली जो क्लास है, उसने उस बच्चे के ऊपर जस्ट लाइक एक माँ की तरह उसके साथ मतलब बिहेव किया, स्पेशल उसके ऊपर अटेंशन दिया, और उसके ऊपर हर चीज़ की उसके अंदर प्यार से, प्रेम से, और उसे हर सवाल मतलब उसके अंदर पूछना, उसको अप्रिशिएट करना, उसकी पीठ को थपथपाना, उसके सिर के ऊपर हाथ रखना। तो कहने वाले कि उसका जो रोल है, अब उसने एज ए शिक्षक के साथ साथ वो कि उसने एक माँ का रोल भी अदा किया। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वही बच्चा वापस जैसे सिक्स क्लास के अंदर, सेवन्थ क्लास के अंदर, जो भी क्लास के अंदर आगे वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो कुछ साल बाद बच्चा आगे चला गया और अपनी जो टीचर है आगे चला गया, तो उसकी फिर वो क्लास के अंदर ए प्लस फर्स्ट ऐसा आने लग गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है इस कहानी के द्वारा बताने की कोशिश, जो हमारी जो पेरेंटिंग है, हम यदि हम किसी के साथ भी, चाहे वो बच्चे हों चाहे कोई भी बड़े हों, उनके साथ यदि हम अच्छा बिहेव करेंगे, तो कहने वाला हमारा, मैंने हर बार ये कहता हूँ कि एक शब्द, एक वाक्य, एक कहानी, यदि हम कोई भी इस कैरेक्टर के अंदर यदि घुसे हमें एज ए टीचर बनकर, तो टीचर की, टीचर कौन है जिससे भी हमें ज्ञान मिले, चाहे हमारी वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे हमें, टीचर वही नहीं है जो स्कूल कॉलेज के अंदर जो पढ़ाता हो, फिर बाद में वो अपने अपने पाथ पे चले गए, तो बाद में जब उस जो वो जो लड़का था उसकी शादी हुई, तो शादी के अंदर जब स्टेज पे वो वरमाला के लिए वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, वो हर बार 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 उस दरवाजे की तरफ देख रहा है, टाइम गुजरा जा रहा है, तो वहाँ पर सब लोग उससे कह रहे हैं, भाई आप ऐसे किसका वेट कर रहे हो, कि देखिए मैं अपनी माँ का वेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो लगातार टकटकी लगाकर ऐसे सामने दरवाजे की तरफ देखता है, तो जैसे ही उसकी जो टीचर माँ आई, उसकी जो 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 गुरु आई, उसकी जो पहले धारणा उसके बारे में ऐसी थी, जैसे वो आई तो उसके ऐसे चरणों में पड़ गया और बड़े भावुक से, बड़े इमोशनली वहाँ एक सीन क्रिएट हो गया। तो जैसे वो उसकी जो टीचर माँ आई, जब उसने अपनी जो होने वाला जो लाइफ पार्टनर थी, जो उसकी होने वाली जो पत्नी थी, उसके वरमाला का उन्होंने किया, तो कहने मतलब मेरा यह है, जब टीचर उसकी टीचर के केवल उसके जो जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड था उसके प्रति, जो उसकी जो सोच थी, किया क्या उसने भाई, उसने किया क्या, उसने अपने केवल भाई टीचर भी वही थी और स्टूडेंट भी वही था, केवल उन्होंने अपने जो थॉट है किसी के बारे में, अपने जो विचार है वो केवल वही चेंज किए। तो उसने यो देखिए कि उस टीचर की भी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में टीचर को भी ये सबक मिल गया, उस शिक्षक को भी ये सबक मिल गया कि आने वाले टाइम में वो भी कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ाने जाएगी तो पूरी एक इंक्वायरी करेगी, कोई बच्चा यदि उदास है उसके साथ में उसका बिहेवियर जो एटीट्यूड है उसको भी वो सुधरेगी, और उसने एक छोटी सी बोले उसके बिहेवियर एटीट्यूड ने उस बच्चे की लाइफ चेंज कर दी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल आपसे मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ कि आप परिवार के अंदर चाहे कहीं भी, केवल ये शब्दों का सारा खेल है, शब्द वैसे कहने को तो ढाई अक्षर का है, लेकिन ये जो शब्द है आप यदि किसी के अंदर कुल्हाड़ी से, तलवार से यदि हम वार करेंगे तो उसको तो भरा जा सकता है, लेकिन यदि आप शब्दों से आप वार करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक उसके हृदय के, उसके भीतर के दिल को तोड़ सकता है। इसलिए आप परिवार के अंदर, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, कहीं भी आप, क्योंकि हम कहते हैं कि
आपके जो विचार ही वो आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। तो ये आपका पेरेंटिंग का पार्ट टू है। आने वाले टाइम में हम पेरेंटिंग के और भी हम बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो लाएंगे, क्योंकि हम एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें हम नहीं कह सकते। तो मैं आपसे, आप मुझे रेस्पॉन्स दे रहे हैं हमारे जो वीडियो बनाने का, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में आया कैसे। इससे पहले मैं बहुत सारे लाइव सेशन सैकड़ों की तादाद में ले चुका हूँ, तो मेरे किसी मित्र ने मेरे से कहा कि दीपराम जी आप ये वीडियो वगैरह लेते रहते हैं और हमें आप सुनाते रहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके वीडियो और लोग भी देखें, जो कि आप, क्योंकि इसकी ऑडियंस अलग रहती है, उसकी ऑडियंस अलग रहती है। तो आप ये क्या कि फिर मैं दोसा में गया तो वहाँ पर एक ऐसे हज़ारों की तादाद में मैंने वहाँ वीडियो सेशन लिया, तो बड़ी ही ताज्जुब की बात है कि मेरा वो पहला वीडियो था, पहला जिसको वहाँ पर हज़ारों लोगों ने, लगभग 4000 लोगों ने उस वीडियो को देखा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो मैंने देखा उसका एक ज़बरदस्त उसका मतलब रेस्पॉन्स मिला, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। तो मैंने देखा कि हमें छोटे छोटे वीडियो अलग अलग टॉपिक पे, क्योंकि जब मैं लाइव सेशन लेता हूँ तो उसके अंदर कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए। तो मैं हर बार ये कहता हूँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे लाइव सेशन मोटिवेशन के देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब के अंदर ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, लोगों को भी दिखाएं। आपको यदि अच्छे लगते हैं तो उनको आप लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो उसकी जो लिंक है आप उसको हर जगह मतलब वायरल करें। मैं जैसे ये मेरी बिटिया वीडियो को शूट कर रही है, मेरे घर है, जो कि मैं कई बार कहता हूँ ये मेरा गार्डन है, तो इसके अंदर मैं आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मेरे लाइव सेशन करने के लिए मेरी जो पूरी डिटेल है, आप जो यूट्यूब का जो वीडियो उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आप पढ़ें मेरे को, आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मेरे बहुत सारे करीबन 12 मोटिवेशनल ग्रुप चल रहे हैं जिनके अंदर केवल एंड केवल मतलब जातिवाद से आधारित नहीं है, धर्म से, राजनीति से, किसी से रिलेटेड नहीं है वो, उसके अंदर केवल मोटिवेशनल चीज़ें आ रही हैं। तो उसके बारे में मोटिवेशनल आर्टिकल की शुरुआत कैसे है उसके बारे में हम बाद में आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक, यदि आपके पास भी कोई सजेशंस हो हम किस किस पे वीडियो बना सकते हैं, आप भी मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे सर्च कर कर या यूट्यूब पे जो आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर मुझे आप सलाह दे सकते हैं अपने। तो मुझे हमेशा ही आपकी अनमोल राय की, आपकी अनमोल सजेशन की हमेशा ही इंतज़ार रहेगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 9530003611, और आप मुझे सीधे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कोई सजेशन देना चाहें वो भी आप मुझे दे सकते हैं। तो आपकी अनमोल प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मुझे आप जो भी कुछ भी, क्योंकि ये जो मैं वीडियो जो मैं लगातार जो आने वाले टाइम में बना रहा हूँ, क्योंकि लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इसलिए मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, मुझे आप लोगों से प्रेरणा मिलती है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो ये देखा और आपने अपना अनमोल और कीमती समय आपने इसमें खर्च किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत ही दिल से, मन से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं दीपराम महावर अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।